हेलो गाइज दिस आर योर चैनल दी इन गाइज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइटिंग यस गाइज राइटिंग राइटिंग के बारे में हम बात करेंगे कि राइटिंग में अगर आपको अच्छे बैंड स्कोर चाहिए तो आप क्या करोगे तो गाइज़ मैंने ये इंट्रोडक्शन से लेके मीन्स जो आप स्टार्ट में फ्रेजी यूज कर सकते हो ओपनिंग स्टार्टिंग में अपने इंट्रोडक्शन में उसके बाद बी में जो आप यूज़ कर सकते हो अपने पॉइंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए और नए पॉइंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए और उसके बाद अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन आप कैसे कर सकते हो विद एग्जांपल और उसके बाद आप अपने रिज़ल्ट को कैसे अच्छे तरीके से फ्रेस में लिख सकते हो और कंट्रास्ट कैसे कर सकते हो कंक्लूज़न अपने ओपिनियन को कैसे देख सकते हो तो गाइज़ इस वीडियो में हम सारी की सारी उस पर ही बात करने वाले हैं तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे कि हम कैसे लिख सकते हैं यस yes, गाइज अगर आप अपने राइटिंग को अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हो मीन्स इंट्रोडक्शन अच्छे से बनाना चाहते हो तो यू कैन यू आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो अपने ऐसे फ्रेज यूज़ कर सकते हो जो आपके बैंड स्कोर को इंक्रीज़ करे वो है इट इज़ ऑफन सेड दैट मैनी पीपल क्लेम दैट इन दिस डे एंड एज नाउ डेज दीज डेज मीन्स यू कैन यूज़ दीज काइंड ऑफ फ्रेजिज फॉर एनहांस फॉर इंक्रीजिंग योर बैंड स्कोर एंड वी लिव इन वी लिव इन एन एज वेन मैनी ऑफ अस आर और आप अपने इंट्रोडक्शन ऐसे भी लिख सकते हो आपका जो भी टॉपिक है उसको आप आगे लिख के इज़ ए हॉटली डिबेटेड टॉपिक दैट ऑफन डिवाइड्स एंड इज़ ऑफन डिस्कस्ड yet rarely अंडरस्टैंड तो भाई ये एक के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के अच्छे फ्रीज़ होते हैं जो आप ऐसे यूज़ करोगे तो आपका बैंड स्कोर ज़रूर इंक्रीज़ होगा और उसके बाद होता है इट गोज़ विदाउट से इंग दैट डैश जो आपका टॉपिक होगा इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईशू फेसिंग अस टूडे गज ये तब यूज़ होता है जब हम कोई चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके कोई कॉजेज है रीजन काजेज ऐसे में आप ऐसे यूज़ कर सकते हो जिसके हॉट टॉपिक हो, हो लाइक जो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हो जिसमें आपको आप रीज़न देने और कोज़ बताने तो आप ऐसे फ्रेज यूज़ कर सकते हो और उसके बाद दी फ्लोइंग ऐसे टेक ए लुक एट बोथ ऑफ दी आर्ग्यूमेंट जब बोथ व्यूज का आपका ऐसे आता है तो देन आप ये फ्रे यूज़ कर सकते हो गाई ये तो होगा तो इंट्रोडक्शन के लिए आप अगर इन सो ध्यान से इनको देखना पॉज करके आप एक बार प्लीज़ ज़रूर ध्यान से देखना अगर आप ऐसे फ्रे यूज़ करोगे तो आपका बैंड स्कोर ज़रूर इंक्रीज़ होगा और उसके बाद होता है गाइज अगर आप अपना बी पी वन अपना पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हो तो गाइज सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है मीन्स यू हैव टू क्लियर अबाउट योर टॉपिक सेंटेंस बट यू हैव टू यूज सम काइंड ऑफ फ्रेजिज फॉर स्टार्ट योर टॉपिक सेंटेंस दैट इज फर्स्टली लेट अस टेक ए लुक एट टू स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वर्थ कंसिडरिंग और उसके बाद गाइज अगर आप अपना सेकेंड पॉइंट दे रहे हो तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो दैट इज सेकेंडली थर्डली फर्दर फर्द in addition what is more on top of that another point worth noting is another factor to consider is guys these kind of phrases you can use for your second topic sentence lastly finally last but not the least guys these are the introducing point and you can pause this video for reading all these introducing points after that प्रजेंटिंग आइडियाज़ एंड गिविंग एग्जाम्पल येस गाइज़ आपके टॉपिक सेंटेंस के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है गाइज एक्सप्लेशन एंड एग्जाम्पल गाइज एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन आइल्स राइटिंग एसेज तो आपको एग्ज़ाम्पल देनी बहुत अच्छ ज़रूरी है और लेकिन एग्जाम्पल देने का भी एक तरीका होता है तो गाइज़ यू कैन यूज़ वेन इट कम्स टू एक्सप्लन करने के लिए in terms of with respect to not only but also and example ke liye, according to experts research has found that there are those who argues that for instance for example such as guy you can use these kind of phrases for enhancing as well as for increasing your band score and guys you can remember easily if you want gaining good band score in your IELTS exam. After that, guys, most important thing in IELTS that is result. Guys, result plays pivotal role in your IELTS essays writing. तो so गाइज सबसे पहले आपको क्या करना होता है आपका टॉपिक सेंटेंस उसके बाद जो एक्सप्लेन करते हो आपको उसको अच्छे से उसका रिजल्ट देना बहुत ज़रूरी है अगर आप रिजल्ट और रीज़न नहीं दोगे अपनी राइटिंग का तो आप अच्छे मैट कभी भी, भी गेन नहीं कर पाओगे इन वाइटिंग तो अपना रिजल्ट लिखने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो एज ए रिज़ल्ट एज ए रिजल्ट ऑफ़ एज हैज़ लीड टू हैज़ रिजल्टड इन कॉन्सिक्वेंटली दिय फो ऑन अकाउंट ऑफ ड्यू टू वन रीज़न बिहड दिस तो भाई दीज आरती फ्रेजिज विच यू कैन ईजिली यूज़ फॉर डिस्क्राइबिंग योर रिज़ल्ट तो गाइज ये बहुत अच्छे फ्रेज़ है और आपको कुछ भी नहीं करना एक बार इनको याद कर लो और अपने अप्लाई करना जरूरी है आपको अगर आप ये चीज़ें अप्लाई करोगे अपनी राइटिंग में आप इजीली सेवन और एट बैंड भी अचीव कर सकते हो इन योर राइटिंग और अगर आपको कंट्रास्ट अपने पॉइंट्स को अगर आपको अपोजिट जाना है तो आप ये वर्ड्स यूज कर सकते ऑल दो इवन दो डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ ऑन दी वन हैंड ऑन दी अदर हैंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हाउ एवर एवर दस इवन सो तो भाई दीज आर कॉन्ट्रास्टिंग फ्रेजिज यू कैन using your writing task too. after that guys for your conclusion to sum up in conclusion all things consider taking everything into consideration, weighing up both side of the argument, the advantage of that dash overweigh the outweigh the disadvantage of jo apka Hoga topic. और अपने ओपिनियन के लिए गाइज़ आप यूज़ कर सकते हो एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इन माई ओपिनियन पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू माई ओन व्यू ऑफ़ मैटर इज़ तो गाइज दीज आर दि फ्रेजिज इफ़ यू यूज़ दीज काइंड ऑफ फ्रेजिज यू इजली गेट गुड बैंड को इन योर वाइटिंग टास्क टू तो गाय यूज़ दीज काइंड ऑफ फ्रेजिज मैं आपको एक बार से फिर से दिखा देता हूँ शुरू से लेके एंड तक प्लीज़ गाइज पॉज करके वीडियो को अच्छे से देख लेना और गई जो हमारी जो प्रडिक्शन वीडियोज़ आएगी वो जल्दी आएगी ट्वेल ट्वेल्थ ऑफ जैन की भी दोबारा से प्रडिक्शन वीडियो आएगी और उसके बाद सारे एग्ज़ाम की प्रडिक्शन वीडियो ज़रूर जल्दी आने वाली हैं तो गाइज उसका वेट करना बिकॉज गाइज इस बार टू में ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लाना बहुत मुश्किल हो चुका है तो लेकिन आपके लिए मैं ज़रूर लाऊँगा तो थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा ट्वेल्थ ऑफ जैन की प्रडिक्शन जो सही होगी ज़रूर आपको जल्दी मिलेगी और गई ये राइटिंग की है जो आपको यूज़ करनी है फ्रेजेस अगर आप इतने अच्छे से इसको रिमेंबर करोगे और याद करोगे और यू अप्लाई करोगे अपने राइटिंग में यू विल गेट ईजली गुड बैंड्स को इन योर राइटिंग तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो शेयर करो एंड गाइज़ प्लीज़ शेयर करा करो वीडियोस को एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिकॉज जब भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी आप सबको पहले मिल जाएगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच गाइज़